तो यार गाइस मेरे को मिल चुका है बिल्कुल फ्री में रेनेम कार्ड। तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पबजू मोबाइल के एक नए वीडियो में, जहाँ पे आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप पबजू मोबाइल में कैसे ले सकते हैं बिल्कुल फ्री में रेनेम कार्ड। क्योंकि यार गाइस रेनेम कार्ड की जरूरत यार हर बंदे को पड़ती है। जैसे कि अगर आपने किसी नया क्लाइन को ज्वाइन किया तो आपको सबसे फर्स्ट में बताया जाता है कि आपको अपना नेम चेंज करना पड़ेगा। और यार गाइस दूसरे कारणों की वजह से भी आपको अपना नेम चेंज करना होगा, तो तभी भी आपको चाहिए होता है यार गाइस रेनेम आईडी कार्ड, जो कि यार गाइस मेरे पास बस है दो, और यार आपको भी आगे चल के इससे भी ज़्यादा मैं लेके दिखाऊंगा। तो चलो गाइस कौन से ट्रिक्स है, और इस वाले ट्रिक्स में मैं आपको कौन सी भी वीपीएन या किसी भी एप्लीकेशन के लिंक्स या ऐप के बारे में नहीं बताने वाला हूँ। तो वही सारे के 100% वर्क करने वाले हैं सारे के सारे ट्रिक्स। तो इसके लिए यार गाइस वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना। तो चलो वही वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो चलो गाइस सबसे फर्स्ट वाली मैं ट्रिक आपको बता देता हूँ, जो यार गाइस सभी बंदों को पता होती है, बट यार गाइस मेरी सारी की सारी छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी ट्रिक्स आपको बताने वाला हूँ इस वाले वीडियो में। तो सबसे फर्स्ट में गाइस आप 180 यूसी में यहाँ से रिनेम कार्ड को परचेस कर सकते हो। जो कि यार गाइस मेरे को पता है यहाँ से कोई भी आप परचेस नहीं करने वाला। तो चलो आपका टाइम न वेस्ट करते हुए अब आ जाते हैं हमारे सारे के सारे फ्री ट्रिक्स की तरफ। तो चलो गाइस दूसरा ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ, जिसमें कि यार भाई लोग आपको सिंपली अपने मिशन में जाके, प्रोग्रेस मिशन में जाके आप लेवल 10 कंप्लीट करोगे तो आपको एक नेम कार्ड मिल जाएगा, जो कि बिल्कुल फ्री में होता है। तो आपको सिंपली यार भाई लोग ये भी ट्रिक काफी बंदों को बताया, बट यार जो भी नए बंदे उन्होंने अभी पबजी मोबाइल को खेलना स्टार्ट किया है उनको यार इस ट्रिक के बारे में नहीं पता होगा। तो भाई जाओ आप यहाँ से भी रिनेम कार्ड को ले सकते। तो गाइस हमारी थर्ड ट्रिक है जो कि यार गाइस काफी कमाल की है। इसके लिए बस आपको क्या करना है, पबजी मोबाइल को अपने जो भी आईडी है उसे 30 दिनों के लिए बंद करना है। आपको इसे ओपन ही नहीं करना है। अगर आप ऐसे करते हो तो आपको पबजी मोबाइल खुद ऑटोमेटिकली एक रिनेम कार्ड और जो भी मैंने पहना है आउटफिट है वो मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में परमानेंट के लिए। इसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाई है, आप चैनल पर जाके चेकआउट कर सकते हो। तो चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। तो चलो गाइस मैं आपको नेक्स्ट ट्रिक बताता हूँ, जिसमें के लिए आपको क्या करना पड़ा है, जो भी सेटिंग के बाजू में जो भी एरो दिख रहा है आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करके क्रू में चले जाना है। जैसे कि क्रू में चले जाओगे तो आपको सिंपली क्रू वेरिफिकेशन में आना है, और काफी बंदे बोलते हैं कि हमें ये 30 पॉइंट नहीं मिलते। तो आपको ये कैसे लेना है, इसके लिए क्या करना पड़ता है, मैं आपको आगे चल के बता दूंगा। और ये आपको पॉइंट मंडे टू मंडे मिल जाते हैं, जैसे कि अगर, और उसी के साथ एक टाइटल मिलता है जो करके 7 डेज के लिए होता है। आपको जैसे 7 डेज के, अगर संडे के दिन ये खत्म हो जाएगा, मंडे के दिन आपको फिर से मिल जाएगा। आपको सिंपली वही इसे कलेक्ट करना पड़ता है। एवरी मंडे के आने के बाद आपको सिंपली क्रो को ओपन करना है, यहाँ पे आना है और इसे 30 पॉइंट और इस टाइटल को यूज कर लेना है। जैसे अगर आप इसे कर रहे तो ये आपको परमानेंट नहीं मिलता, तो आपको सिंपली रिनेम कार्ड को लेने के लिए फिर आना है अपने शॉप में, और शॉप में आने के बाद आपको सबसे लास्ट वाला ऑप्शन होता है ना, आपको सिंपली लास्ट चले जाना है। जैसे लास्ट चले जाओगे तो यहाँ पे देखो आपको देखने मिलेगी फ्री में रिनेम कार्ड। इसके साथ सबसे फर्स्ट में आपको एक रिनेम कार्ड यहाँ से परचेस करके दिखा देता हूँ। तो गाइस यहाँ पे देखो मेरे को मिल चुका है एक रिनेम कार्ड, और इसके बाद फिर से मैं जरूरत नहीं यार कहीं दूसरा लेने की, पर तभी भी आपको दिखाने के लिए मैं फिर से एक रिनेम कार्ड ले लेता हूँ। और यार दूसरा भी कर लेते हैं यहाँ पे, और देखो तो गाइस मेरे को मिल चुका है दूसरा भी रिनेम कार्ड। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको वो 30 पॉइंट कैसे लेने हैं, जिसके लिए बस आपको क्या करना पड़ता है, क्रू वेरीफाई करना पड़ता है। अगर आपको क्रू वेरीफाई नहीं करना है तो आप जिसने भी क्रू वेरीफाई किया, अपने दोस्त भाई जो भी यार भाई लोग हो गए अपनी जान पहचान के, आपको सिंपली उसके क्रू में वो ज्वाइन होना है। बस यही ध्यान रखना कि उसका क्रू वेरीफाई होना चाहिए। जैसे उसका क्रू वेरीफाई हो जाएगा तो आपको सिंपली थोड़े से मैचेस वगैरह खेल लेने, थोड़ा सा सर्वाइव करना है, ज़्यादा नहीं है भाई। आपको बस अगर थोड़े से खेलते तो 30-40 में आ जाते हो, तो भाई आपको यहाँ से एवरी मंडे के दिन आपको यहाँ पे 30 पॉइंट और एक टाइटल मिल जाता है, जो कि अगर 7 डेज के लिए होता है वो फिर से चले जाएगा, फिर से मिलता रहेगा, ऐसे आपको चलता रहता है। और इस वाले पॉइंट से आप काफ़ी ज़्यादा भाई काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ले सकते हो, जैसे कि आउटफिट, परमानेंट गन की स्किन, रूम कार्ड, रिनेम कार्ड, भाई काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मिल जाती है आपको क्रू वाली शॉप में। तो भाई यही था आज के इस वीडियो में, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपको ऐसी कुछ नई वीडियो के साथ, तब तक क्लियर बाय।